नो no डाउट आप भी एक रिलीजियस फैमिली से और रिलीजियस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और ये चीज़ सुनने में आई कि जो दार देवबंद या वो इलाका या उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न इलाके का जो मुस्लिम है वो या जो मौलाना ख़ास करके मौलाना साहब जो हैं मौलाना अरशद मदनी साहब उनकी जो आइडियोलॉजी है सम हाउ नो दे वेरी सिम्पथेटिक टूवर्ड्स तालिबानीज तो ये चीज सर आती है बार बार आती है ये नो डाउट बयान भी आता है और बहुत सारी चीजें बार बार सुनने में आती हैं तो क्या वाकई में तालिबान सिंपथाइजर हैं जो दायदार देवंद के लोग हैं उनके बानी हैं या फिर जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं ने अरशद मदनी साहब के बारे में पिछले काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी उनके कुछ इस तरीके की जो निराधार है बिल्कुल अगर आप मौलाना अरशद मदनी साहब को देखें अपने उनका चर्चा किया तो मैं थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ आपने देखा होगा कि भारत के अंदर आईएसआई का एक वक्त में दुनिया के अंदर उसका बहुत प्रभाव था और पूरी दुनिया उससे डर रही थी और इराक़ और उसके अतराफ की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के यूथ बड़ी तेज़ी के साथ में उसके पीछे चल रहे थे उसी वक्त 2013 में थर्टीन में हिंद का एक बहुत बड़ा मेजर प्रोग्राम देवबंद में बुलाया गया था जिसमें इंडिया के हर स्टेट के उलमा को और जमीयत के जिम्मेदारों को मौलाना मदनी ने कॉल दी थी कि आप आइए और उसमें मौलाना अरशद मदनी साहब ने ओपन ऐलान किया था कि आईएसआई एस ये एक आतंकवादी संगठन है इंडियन मुस्लिम का इसके साथ में कोई संपर्क नहीं है और ना ही हमारा यूथ इसको फॉलो करता है उसी के एक साल के बाद तत्कालीन गृह मंत्री जो इस वक्त भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट के पटल से ये कहा था कि अगर इस्लामिक स्कॉलर्स इंडिया के अंदर इतना एक्टिव ना होते तो शायद और देशों की तरह भारत का युवा भी दाइश के साथ चला जाता ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट उसके बाद मौलाना मजनी की जो पूरा काम उनकी कार्यशैली है उनकी आइडियालॉजी है उनके बारे में ये कहना कि वो किसी से प्रभावित हैं या किसी ऐसी तंजीम से जिसके बारे में लोग ये कहते हैं कि वह इंटरनेशनल है या फिर ये वो आतंकवाद को प्रमोट कर रही है कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन उससे मौलाना मदनी प्रभावित हो ये तो हस्यास्पद चीज है जो आदमी आसाम के अंदर तकरीबन बीस लाख हिंदुओं के लिए लड़ा जो आदमी इस देश के किसी भी राज्य में प्राकृतिक आपदा होती हो जिसके आदेश पर उसकी संस्था के लोग जाकर के वहाँ उनकी हेल्प करते हो धर्म के नाम पर नहीं मात्र मानवता के नाम पर उनकी हेल्प करते हो आप उस व्यक्ति से कल्पना कर सकते हैं और जहाँ तक ये कहा जाता है कि वो तालिबान प्रो हैं उनका स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में है कि मैं नहीं जानता ये कौन लोग हैं जब ये सरकार चलाएंगे तो सरकार चलाने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये कैसे लोग हैं और इनके बारे में मेरी एक सोच डेवलप हो सकती है लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मौलाना मदनी तालिबान प्रो हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इस वक्त की अफ़ग़ानिस्तान की सरकार से मेरे देश की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री क़तर में बात कर रही है ये उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो लोग अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर के भाई अफ़गानिस्तान पर हमने पार्लियामेंट बनाई है अफ़ग़ानिस्तान की हमने वहाँ के दस हजार स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप पर बुलाया पच्चीस हजार करोड़ रुपया भारत सरकार ने मेरे आपके टैक्स पेयर का अफगानिस्तान के स्टूडेंट की सेवा की है प्रोजेक्ट्स में, में भी इन्वेस्ट किया है तो उस अफगानिस्तान से और वहाँ की इसवत की सरकार से भारत का विदेश मंत्रालय बात कर रहा है तो ये असल में क्या है सांप्रदायिकता की तरफ में एक पूरा आ, मीडिया के माध्यम से जो आजकल की कथा कथित गोदी मीडिया है जिसके बारे में अब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं एक ट्रायल चलाया जाता है कि कुछ ऐसे रिलीजियस लोगों को टारगेट किया जाए जिनको टारगेट करके कम से कम मेजोरिटी को एक तरीके से मुतहद किया जाए संगठित किया जाए तो ये कुप्रयास है मैं नहीं समझता कि इसका कोई प्रभाव होने वाला है और मौलाना मदनी की लाइफ तो सब लोगों के सामने है वो व्यक्ति जो इस देश की आजादी के लिए चौदह साल लगभग जेल में रहा हो वो व्यक्ति जिसने कोर्ट में खड़े होकर के ये कहा हो कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है उस पर जज ने कहा कि आप समझते हो आपको इसके खिलाफ इस, इस बोलने का अपराध क्या हो सकता है आप, आपको क्या सजा हो सकती है उन्होंने कहा मैं अपना कफन साथ में लेकर के आया हूं वो व्यक्ति जिसने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया हो जिसके बलिदान से भारत आजाद हुआ हो आप उसकी संतान से उसके बेटे से कल्पना कर सकते हैं कि वो देशद्रोह या राष्ट्रद्रोह की किसी गतिविधि में जाएंगे मेरा इसी पर एक क्वेश्चन है अगर अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार टेररिस्ट है आतंकवादी है तो यूनाइटेड स्टेट से भी क्वेश्चन बनता है अमेरिका से क्वेश्चन करना चाहिए दुनिया को कि वो किन हाथों में अफगानिस्तान को छोड़ के चले गए क्वेश्चन तो उनसे भी बनता है तो इसलिए ये एक दूसरा विषय है बट मैं इतना कह सकता हूँ कि दार्लूम देवबन मौलाना अरशद मदनी साहब या उनकी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी रूप में उन चीजों में इन्वॉल्व नहीं है ना वैचारिक तौर पर ना उनका कोई ऐसा सिस्टम है ना उन्होंने ऐसा किया वो पूरे तौर पर राष्ट्र भक्त हैं और वो देश के और एक गौरवशाली वैभवशाली समृद्ध संपन्न भारत के निर्माण में वो काम कर रहे हैं